जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शाम के 4:10 हो चुके हैं और जो हमारी क्लास का कक्षा का टाइम है वो भी हो चुका है। कल की क्लास में आपने देखा था कि वीडियो चलते चलते समय बीच में जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी और पता नहीं चल पाया, जिसके वजह से लगभग 15 मिनट का जो वीडियो है, यानी जो कल का वीडियो था वो लगभग 32 से 33 मिनट का वीडियो था, लेकिन वो वीडियो आपको पूरा नहीं मिल पाया है। वीडियो तो मिला है लेकिन उसमें आप देखोगे तो पूरी क्लास आपको नहीं मिली होगी, और वो डॉक्टर नगेन का जो हमने काल विभाजन किया हुआ था वहाँ से वो क्लास आपकी रुक गई थी ना। तो एक बार हम फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पर कही गई थी या चीज़ें आपकी देखी गई थी ना। थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेकर चलता हूँ, और डॉक्टर नगेन का जो काल विभाजन है, ये काल विभाजन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ना कि डॉक्टर नगेन ने अपना काल विभाजन कैसे किया हुआ था ना। तो देखिएगा, अगर हम डॉक्टर नगेन के काल विभाजन की बात करते हैं तो हमने बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, और डॉक्टर नगेन का जो काल विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है तो आप बताओगे, इसे 4 भागों में आपके बांटा गया है, 4 भागों में आपका किया गया है। पहला जो है उसे हम क्या कहते हैं, आदिकाल, और इसकी जो समय सीमा है वो 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी मध्य तक इसकी समय सीमा मानी गई है। दूसरा जो काल विभाजन किया गया है, इसे जो हम मानते हैं वो भक्ति काल के नाम से, और इसकी जो समय सीमा है वो 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी मध्य तक इसकी समय सीमा आपकी मानी गई है। तीसरा जो काल विभाजन हुआ है वो आपका रीति काल के नाम से है, और ये 17वीं सदी मध्य से लेकर 19वीं सदी मध्य तक इसका जो समय है वो आपका माना गया है। और लास्ट जो है आपका आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो समय सीमा है वो 19वीं सदी मध्य से लेकर अब तक का जो समय है वो आपके आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि डॉक्टर नगेन का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, बहुत ही ज़रूरी आपका काल विभाजन है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है, अगर काल विभाजन किसी का ज़्यादातर पूछता है तो या तो वो डॉक्टर नगेन का काल विभाजन आपसे पूछा जाएगा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है उनका काल विभाजन आपका पूछता है। तो दोनों काल विभाजनों को आपको याद रखना है कि किसने किस प्रकार से काल विभाजन आपका किया हुआ है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को भी इन्होंने कर रखा है कितने भागों में, 4 कालों में बांटा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है तो आपके 4 भागों में बांटा गया है, और ये जो 4 भाग आपके दिए गए हैं वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे हाँ, अब देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाएगा तो डॉक्टर नगेन का जो काल विभाजन है वो आपके 4 भागों में है, और ये 19वीं सदी से मध्य से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है ये आपका माना गया है या आपका जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर बनकर आ गया है। इसको चाहो तो आप 4 भागों में हैं, इसको आप ना लिखकर आप ऐसे लिख लीजिएगा, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिएगा ना, क्योंकि एक ही काल विभाजन हम लोग कर रहे हैं तो ये वाली लाइन लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ये है डॉक्टर नगेन का काल विभाजन आपका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखा जाएगा तो जो सर्वमान काल विभाजन है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि सर्वमान काल विभाजन आपका किस प्रकार से किया गया है। तो जो सर्वमान काल विभाजन आपका किया गया है, पहला जो आपका किया गया है वो आदिकाल है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही मान लिया गया है, और इसी को सबसे बेस्ट माना गया है कि जो आपके हिंदी साहित्य इतिहास को बांटा गया है वो मुख्य रूप से 4 कालों में ही बांटा गया है। तो पहला है आदिकाल, जिसकी समय सीमा है विक्रम संवत 150 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक, ये वाली जो समय सीमा है हमने पहले ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाले में बता दिया है। दूसरा जो है इसे हम भक्ति काल कहते हैं, इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक है। तीसरा जो आपका बनता है रीतिकाल, रीतिकाल का जो समय है वो विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। और आधुनिक काल जो बनता है ये विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक का जो समय है ये आपका आधुनिक काल है, और ये कैसा माना गया है, सर्वमान काल विभाजन के अंतर्गत इसे आपके स्थान या जगह दी गई है।
इसके साथ साथ देखा जाए तो जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को भी 9 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। पहला जो भाग आपका बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रांति काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1843 से लेकर 1857 तक है। दूसरा जो है भारतेंदु युग है, जो 1857 से लेकर 1900 तक माना गया। तीसरा द्विवेदी युग है, जो 1900 से लेकर 1918 तक माना गया। चौथा छायावाद युग है, जो 1800 से लेकर 36 तक का माना गया। पांचवा जो है प्रगतिवाद युग है, जो 36 से लेकर कहाँ तक है? 43 तक है। और जो प्रयोगवाद है वो 43 से लेकर कहाँ तक है? 1952 तक है। और जो नई कविता है 1952 से लेकर 1960 तक की है। साठोत्तरी कविता जो है 60 से लेकर 90 तक है। और समकालीन कविता जो है वो 1990 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है, इसे हम समकालीन कविता के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए सर्वमान्य काल विभाजन है। यहाँ पर हमने इस क्लास में जो देखा है, कल और आज को मिलाकर अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले जो देखा, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखा है, ग्रियर्सन का काल विभाजन भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसके साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन भी हमने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी हमने क्या देखा है? काल विभाजन आपका देखा है। और अंतिम जो काल विभाजन हमने किया है वो सर्वमान्य काल विभाजन है, जो आपका सबसे सही काल विभाजन आपका माना जाता है। तो यहाँ से जो क्लास थी वो काल विभाजन की जो प्रक्रिया थी, वो काल विभाजन की प्रक्रिया आपकी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नए तरीके से यहाँ पर चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर जो देखेंगे वो आपके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं आपके, इसको तो हमने पहले ही पीछे यहाँ पर क्योंकि जो मैंने पीछे आपको अभी बताया था ना कि सर्वमान्य काल विभाजन हो गया, और जो हमने ये डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन आपको बता दिया था, ये डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन जो है ये आपका है, और यहीं पर जो मैंने अभी आपको चार काल विभाजन बताए थे जो नीचे से अभी हमने डिलीट किया है, तो अंतिम में हालांकि मैंने उसे क्या किया था आपके लिख दिया था, तो हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसे आप हटा ही सकते हो, यहाँ से पूछे जाने की संभावना नहीं बनती है, तो इसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको हटा दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके क्या होते हैं? नहीं बनते हैं ना। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो फिर से एक नई प्रक्रिया लेकर चलेंगे, और जो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम कवि पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी के प्रथम कवि। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी के प्रथम कवि पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, हिंदी के प्रथम कवि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम कवि की अगर हम बात करते हैं तो जो शिव सिंह सेंगर हैं, अब देखिएगा किस राइटर ने किसको माना है, ये थोड़ा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ना। तो शिव सिंह सेंगर, अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड्र को प्रथम कवि माना है। पुष्प या पुंड्र को इन्होंने क्या माना है? प्रथम कवि माना है। दूसरा राम कुमार वर्मा की अगर हम बात करते हैं, किसकी? राम कुमार वर्मा की हम अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्वयंभू को माना है। इन्होंने किसको माना है? स्वयंभू को माना है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो इन्होंने मुंज या भोज को माना है। इन्होंने किसको प्रथम माना है? तो मुंज या भोज को इन्होंने प्रथम कवि माना है। इसके साथ साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर हम बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी जो प्रथम कवि माना है वो किसको माना है? मुंज को ही इन्होंने भी प्रथम कवि माना है। इसके साथ साथ पांचवें की हम बात करते हैं, A.H. पेडी की बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने अब्दुल रहमान को माना है। किसको माना है?
तो अब्दुल रहमान को इन्होंने हिंदी का क्या माना है, प्रथम कवि माना है। और इसी को अगर देखा जाए तो छठे में हम बात करेंगे बच्चन सिंह की। अगर हम बात करें कि बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो बच्चन सिंह ने जो प्रथम कवि माना है वो विद्यापति को माना है। अगर पूछता है कि बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो विद्यापति को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सातवें की बात करें चंद्र उनकी गणपति चंद्र गुप्त की, सातवें नंबर पर हम बात करें गणपति चंद्र गुप्त की, तो गणपति चंद्र अगर हम गुप्त की बात करें तो इन्होंने जो प्रथम कवि माना है वो शालभद्र सूरि को माना है। इन्होंने किसको माना है तो आप बताओगे, प्रथम कवि शालभद्र सूरि को इन्होंने प्रथम कवि माना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आठवें नंबर पर राहुल सांकृत्यायन की, अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने जो प्रथम कवि माना है वो सरहपा को माना है। किसको? सरहपा को आपके माना है। और ये जो सरहपा हैं ये सर्वमान्य माने जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, सरहपा जो हैं वो सर्वमान्य माने जाते हैं। अर्थात हर एक राइटर के अर्थात अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हिंदी के प्रथम कवि की बात करते हैं तो सबके अनुसार हमने क्या कर रखा है, इनको अलग अलग तरीके से बांट रखा है। पहला शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इन्होंने पुष्प या पुंड्र को माना है हिंदी का प्रथम कवि। दूसरी अगर हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा ने जो प्रथम कवि माना है वो स्वयंभू को माना है। तीसरा रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने किसको माना है, मुंज या भोज को माना है। चौथे अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इन्होंने मुंज को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इन्होंने किसको माना है, अब्दुल रहमान को माना है। बच्चन सिंह की अगर बात करते हैं तो बच्चन सिंह ने किसे माना है, विद्यापति को प्रथम कवि हिंदी का माना है। और गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने शालभद्र सूरि को माना है। इसके साथ साथ राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं तो इन्होंने सरहपा को माना है, जो कि सर्वमान माना जाता है। अगर आपसे कभी पूछता है कि हिंदी का जो प्रथम कवि कौन है तो आप सरहपा ही बताओगे, लेकिन अगर इनके अनुसार ऐसे पूछेगा तब आपको अलग अलग बताना होगा। नहीं तो अगर हिंदी का प्रथम कवि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि हिंदी के प्रथम कवि जो बनेंगे वो कौन बनकर आ जाएंगे आपके, तो सरहपा बनाएंगे। और सरहपा किसके अनुसार हैं तो आप बताओगे ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आपके माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के प्रथम कवियों को आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने इनको अलग अलग आपके माना है, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और भी चर्चा कर लेते हैं, हिंदी की प्रथम रचना की बात कर लेते हैं। अगर हम हिंदी की प्रथम रचना की बात करें, अगर हम हिंदी की प्रथम रचना की बात करते हैं तो जब हिंदी के प्रथम कवि सरहपा माने गए हैं तो यहाँ पर भी सरहपा को ही माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो क्या है समझिएगा। सरहपा की कोई रचना, नोट भी कर लीजिएगा, सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध ना होने के कारण सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध ना होने के कारण जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को जो कि 933 ईस्वी में है, श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, इस रचना में
250 दोहा छंद हैं। इस रचना में 250 दोहा छंद हैं। यह एक उपदेशात्मक रचना है। यह एक उपदेशात्मक रचना है। अगर आपसे पूछा जाए तो यह कैसी रचना है, तो एक उपदेशात्मक रचना है। तथा इस रचना में शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तथा इसमें जो प्रधानता देखने को मिलती है, अगर आपसे पूछा जाए तो किस रस की प्रधानता मिलेगी, तो आप बताओगे कि इसमें शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी सराहपा की कोई भी रचना उपलब्ध न होने के कारण जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित सावकाचार 1933 को हिंदी की प्रथम रचना माना गया। अब देखिएगा, सरोमान जो आपके प्रथम कवि हिंदी के माने गए, वो तो आपके कौन से माने गए, सराहपा। लेकिन सराहपा की कोई रचना उपलब्ध ही नहीं है, तो जब सराहपा की कोई रचना उपलब्ध ही नहीं है, तो जो जैन आचार्य देव हैं इनके द्वारा जो रचित रचना है, जिसका नाम क्या है, श्रावकाचार, जिसकी रचना 933 ईस्वी में हुई थी, तो इसको हिंदी की प्रथम रचना आपके मान लिया गया है। और इस रचना में 250 दोहा छंद हैं, यानी इसमें देखा जाए तो 250 छंद हैं। और यह एक उपदेशात्मक रचना है। कैसी रचना है, तो आप बताओगे उपदेशात्मक रचना है। तथा इस रचना में शांत रस की प्रधानता देखने को मिलता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इस रचना में आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप बताओगे शांत रस की जो प्रधानता है इस रचना में आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, शांत रस की प्रधानता आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलें, तो अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आदिकाल की हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपसे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आदिकाल की यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब यहाँ से जो हम पहला काल लेकर चल रहे हैं वो आदिकाल लेकर चल रहे हैं ना। अब आदिकाल की जो समय सीमा है वो हम लोग देख लेते हैं कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो समय सीमा किस किसने क्या क्या माना है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आदिकाल की समय सीमा की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ग्रियर्सन का आता है। किसका, तो आप बताओगे ग्रियर्सन के अनुसार जो समय सीमा है वो आपकी 643 से 1400 ईस्वी तक है। ये जो समय सीमा है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक की जो समय सीमा है, ये आदिकाल की किसने माना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने माना है। दूसरी जो समय सीमा मानी गई है वो किसकी मानी गई है, मिस्र बंधु की मानी गई है। किसकी मानी गई है, मिस्र बंधु की। तो मिस्र बंधु ने जो इसकी समय सीमा माना है वो विक्रम संवत 700 से लेकर, इसकी जो समय सीमा है वो बता सकते हो कि ये विक्रम संवत 700 से लेकर कहाँ तक, 1444 तक। ये 1444 तक आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ राहुल सांकृत्यायन, तीसरा जो नाम आता है वो किसके आता है, वो राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो समय सीमा है वो 760 से 1300 ईस्वी। ये 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का जो समय है वो किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। चौथा जो है वो शुक्ल जी के अनुसार है। किसके अनुसार है, शुक्ल जी के अनुसार। और शुक्ल जी के अनुसार आपको पता ही है ये कितना माना गया है, तो 993 ईस्वी से लेकर ये आपका 1318 ईस्वी तक माना गया है। 1300 कितना, 18 ईस्वी तक ना। अब एक चीज़ समझिएगा, अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि वहाँ हमने 1050 बताया था, तो 1050 जो है विक्रम संवत है, और 1050 को अगर आप ईस्वी में बदलोगे तो हमने आपको बताया था कि उसमें से 57 आपको माइनस करना होता है। जब 57 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 993 देखने को मिल जाएगा। ये ईस्वी में हमने लिखा है और वहाँ जो हमने लिखा था विक्रम संवत में लिखा था। तो शुक्ल के बाद जो बात आती है राम शंकर रसाल की बात आती है। अगले जो नाम आता है वो राम शंकर
अगर हम रसाल की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है 1000 ईस्वी से 1343, ये जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से कितनी मानी गई है, 1343 ईस्वी तक मानी गई है। कितनी मानी गई, 1343 ईस्वी तक मानी गई। और ये जो समय सीमा है किसके अनुसार, राम शंकर रसाल के अनुसार बन जाएगी। नेक्स्ट जो आपके बनेंगे छठा नंबर, अगर हम बात करते हैं छठा, तो जो नेक्स्ट आपका बनकर आता है वो है AHPD के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है वो आपको पता है 1000 से 1400 ईस्वी तक। ये 1000 ईस्वी से लेकर अगर हम 1400 तक की बात करें ईस्वी तक, तो ये इनके अनुसार आदिकाल की समय सीमा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नगेंद्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो नगेंद्र ने इसकी समय सीमा जो निर्धारित की है वो कितनी है, तो नगेंद्र के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सातवीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक का जो समय है ये किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये समय सीमा निर्धारित की गई। आठवां, गणपति चंद्र गुप्त की अगर हम बात करें किसकी, तो आप बताओगे गणपति चंद्र गुप्त की अगर हम समय सीमा की बात करते हैं तो ये 1184 से लेकर, अगर ये देखा जाए तो 1184 ईस्वी से लेकर ये आपकी 1350 ईस्वी तक जाती है। कितनी, 1350 ईस्वी तक जो समय जाता है वो इनके अनुसार है। और अंतिम है राम कुमार वर्मा, नौवें जो हैं वो हैं कौन, तो आप बताओगे राम कुमार वर्मा। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो विक्रम संवत 750 से लेकर, विक्रम संवत 750 से लेकर जो 1000 तक का जो आपका समय है विक्रम संवत तक का, ये जो आपका बनेगा वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार माना जाता है। किसके अनुसार, राम कुमार वर्मा के, इसे अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा ना। तो जो आदिकाल की समय सीमा है, अब आदिकाल की हम लोगों ने शुरुआत की है, तो ये आदिकाल की समय सीमा अलग अलग राइटरों के अनुसार अलग अलग है कि किसी ने कुछ बताया है किसी ने कुछ। तो अगर समय सीमा ग्रियर्सन की बात करें तो 643 से 1400 ईस्वी तक है। अगर हम मिश्र बंधु की बात करें तो विक्रम संवत 700 से लेकर 1444 तक है। राहुल संकेत्यायन की बात करें तो 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक है। शुक्ल जी की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है। इसे अगर विक्रम संवत में बदलना हो तो 57 साल ईस्वी में जोड़ दीजिएगा। और अगर आपका कोई चीज़ विक्रम संवत में लिखा है और उसको ईस्वी में बताना हो तो उसमें 57 साल माइनस कर लीजिएगा। अगले जो बात है रमा शंकर या राम शंकर रसाल की, 1000 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक का जो समय है इनका माना जाता है। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करते हैं तो 7वीं सदी मध्य से लेकर 14वीं सदी मध्य तक का जो समय है वो डॉक्टर नगेंद्र का माना जाता है। और गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो समय है वो गणपति चंद्रगुप्त का माना जाता है। और अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो विक्रम संवत 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक का जो समय आपका माना जाता है वो किसका माना जाता है, तो आप बताओगे ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का समय माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है, राम कुमार वर्मा के अनुसार ये आपकी समय सीमा मानी जाती है या आपकी निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो बिंदु हमारा बचा हुआ है वो हम लोग आदिकाल का नामकरण देखेंगे कि किस किस ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, यानी किस किस राइटर के द्वारा आदिकाल का नामकरण क्या प्रस्तावित किया गया है, क्या दिया गया है, ये जो हम सब लोग देखेंगे वो अंतिम क्लास में देखने वाले हैं, यानी कल की क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए हम लोग जो रखेंगे इतना ही रखते हैं, बाकी जो मुलाकात होगी कल से फिर से शाम को 4:10 पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये जो क्लास संख्या थी ये आपका लेक्चर नंबर 7 था, यहाँ पर देख लेते हैं, ये लेक्चर नंबर 7 था, याद रखिएगा ये क्या था, लेक्चर नंबर 7 था। लेक्चर नंबर 6 कल हुआ था लेकिन बीच में क्या हुआ था, वीडियो बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वीडियो रुक गया था। तो जो कल
मैंने पढ़ा दिया था लेकिन आपको दिखा नहीं, हमने उसको भी कवर किया और जो आज की डेट में हमने पढ़ा है वो भी हमने यहाँ तक देख लिया है। तो लेक्चर नंबर जो 7 है ये आज का लेक्चर नंबर 7 था। बाकी जो आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय फिर से होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।